ये जी ये कंडीशन है इसकी, इसमें रंग तो बड़ा अच्छा आया, तो मज़ीद जो है वो आए देखते हैं अभी, लकड़ियाँ ना ख़त्म हो जाए, घरों में लकड़ियाँ भी कम होती हैं। देखें जी कलर तो बड़ा अच्छा आया आलू गोश्त का, ये थोड़ा सा लिक्विड टाइप का है, शोरबे वाला बन रहा है। तो प्लीज़ आप लोग देखें आज की वीडियो जो है वो कुकिंग के हवाले से है। वेरी नाइस यार, बहुत अच्छा कलर आया। मैंने देखा है यूट्यूब पे, उन्हीं को फॉलो करके भी आप बना रहे हैं, और काफ़ी सर्दी है, दिसंबर का महीना, ये लकड़ियाँ ना बस ख़त्म हो जाए। माशाल्लाह कलर तो बड़ा प्यारा आया जी। अब मज़ीद आपको दिखाते हैं अभी ये तैयार होता है तो कैसा बनता है ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और ये हमारा चिकन और आलू का जो है वो रेडी हो गया है। अब इसको हम सर्व करने लगे हैं, निकालने लगे हैं, देखें जी कैसा जायका आया है। मैं कह रहा हूँ मज़ा आ गया, यकीन करें कि इसका जो कलर है ना, मैं निकाल रहा हूँ और अब हम खाएंगे और शायद फिर ब्लॉग बनाने जाएं, शायद नहीं तो कल सही, आज का ब्लॉग कुकिंग पे ही। ये देखें जी ये मैं निकाल रहा हूँ, कलर चेक करें आप, चिकन और चिकन है और आलू हैं और शोरबे वाला टेस्टी, क्या बात है। देखें जी कलर, और आज हमने अपने डेरे पे जो हमें चीज़ अवेलेबल हुई हमने बना के और रेडी कर लिया वीडियो। प्लीज़ आपने हमारे व्लॉगर जोन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, और हमारे कमेंट्स में हमें अपनी इजहार से ज़रूर बताइएगा, हमें हमारा हौसला अफज़ाई करें। ये लें जी ये अब हम खाने लगे हैं और हम वीडियो बंद करने लगे हैं। बहुत शुक्रिया आप लोग का, देखें और कमेंट में अपना इजहार राय हमें बताएं। ये देखें जी कलर वेरी नाइस, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।